यूफर यूआई के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से आज सुबह से ही हमने जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन, जो कि काफी देर से पेंडिंग डिमांड थी यहाँ के स्टूडेंट्स की, 10 साल से लगातार पेंडिंग चल रहे जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्शन आखिरकार आज हुए और उसके बाद इलेक्शंस भी डिक्लेयर हुए। तो हमारे साथ इस टाइम जो शख्सियत है उनका नाम है अरुण प्रभात सिंह जी। अरुण प्रभात सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से जो अभी डीआर चुन के सामने आया है। टोटल 42 रिसर्च स्कॉलर्स ने जो आज पोलिंग की, जिनमें से 27 वोट्स जो है अरुण प्रभात जी को पड़े हैं। तो सबसे पहले अरुण जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अरुण जी। रिसर्च स्कॉलर्स की बात करें, हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे आपसे, रिसर्च स्कॉलर्स की सबसे पहले, काफी सारे मुद्दे हैं, आपको रिसर्च में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक डिपार्टमेंट में, किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स जो है एड्रेस करेंगे? आशीष जी, सबसे बड़ा विषय क्वालिटी एजुकेशन का है, एकेडमिक इन्वायरमेंट का है, जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। आज छात्र संघ चुनाव जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर पहली बार होने जा रहे हैं, उसके अंदर ये सब विषय जो पहले कुछ संगठन अपने स्तर पे उठाया करते थे, आज वो विद अथॉरिटी एक प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनेगा, जो चुनिंदा नुमाइंदा होगा, जो नेतृत्व करेगा छात्रों का, और उसमें से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। सबसे बड़ा विषय जो छात्र और शोध छात्र जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर फेस करता है, यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी जो दूर दराज के छात्र आते हैं उनको नहीं अवेल हो पाती, जिसके कारण उनकी उतनी क्षमताएं होते हुए भी कईयों को रिसर्च बीच में छोड़नी पड़ती है, कईयों को और अदर अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ती, अपना की ओर बढ़ना पड़ता है। देन रजिस्ट्रेशन ऑन टाइम, रजिस्ट्रेशन समय पर ना होना, उनको दो दो साल लग जाने एक एक थीसिस को, उसके टॉपिक को रजिस्टर होते हुए, वो सब विषय हैं सिनॉप्सिस का, और सब ऐसे बहुत से विषय हैं जो जम्मू के शोध छात्र को यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। और केवल शोध छात्र को नहीं, यहाँ के जो पीजी का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो छात्र, उनको भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि जो भी जीत करके आए इन चुनावों के अंदर, छात्र संघ चुनावों के अंदर, वो छात्रों का नुमाइंदा बन करके छात्रों का नेतृत्व करे और छात्रों की मांगों को प्रशासन तक पहुंचाए। अरुण जी, काफी सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब भी छात्र जम्मू यूनिवर्सिटी के सामने आते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, सबसे पहले तो वाइस चांसलर अपने दरवाजे ही नहीं खोलता, बच्चे प्रोटेस्ट करते रहते हैं रोड के ऊपर, उनके दरवाजे के बाहर उनके दरवाजे ही नहीं खुलते हैं। अगर आप 6 अक्टूबर की इलेक्शन भी लड़ते हैं और उसके अंदर सामने आते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट के रूप में, तो किस तरह से उन दरवाजों को खटखटाएंगे जो बच्चों के लिए नहीं खुलते? ऐसा है, ये निर्णय तो छात्रों को करना है, कौन जीतता है कौन लड़ता है वो विषय छात्र तय करेंगे। पर उसमें एक सबसे बड़ी जो बात, जो आपने वाइस चांसलर साहब की बात की, यहाँ पर छात्रों का नुमाइंदा जो भी जीत करके जाए वो काउंसिल का मेंबर बने, जो गवर्निंग बॉडी है जम्मू यूनिवर्सिटी की। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट जो भी बनता है, चुना हुआ जाता है, वो काउंसिल का मेंबर बनता है और वो वहाँ पर काउंसिल के अंदर टीचर्स की बात, प्रोफेसर्स की बात रखता है, ठीक उसी प्रकार जो भी छात्रों का नुमाइंदा जीत करके जाए वो छात्रों की बात उस काउंसिल के अंदर रखे, जिसके कारण यहाँ पर हमको आए दिन देखना पड़ता है कि छात्रों को अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बहुत हद तक सफ़र करती है। वो ऐसा नहीं हो, हमारा छात्रों का नुमाइंदा काउंसिल का मेंबर बनेगा तो छात्र डायरेक्ट सीधा उससे मिल सकते हैं, उसको अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और वो काउंसिल के अंदर अपने छात्रों की समस्याओं को उठा करके उनके निजात दिलाने के लिए या उनका उनका कहीं ना कहीं कैसे सुलझ सकते हैं वो करने में सक्षम रहेगा। अरुण जी, एक आखिरी सवाल, 6 अक्टूबर की तैयारी अब किस तरह से होगी? ऐसा है कि हम जिस संगठन से हैं उसकी, जिस समय चुनाव यहाँ पर नहीं भी होते थे, हम तब भी दिन रात छात्रों के लिए तत्पर रहते थे, दिन रात छात्रों के विषयों को प्रशासन के सामने समय समय पर लेकर के आते थे,
चाहे वो हॉस्टल की फीस माफ़ी का विषय हो, चाहे वो प्राइम मेडिकल की एजिटेशन हो, बहुत से ऐसे विषय हैं जो छात्रों के हमने समय समय पर उठाए हैं और नेतृत्व करने की पूर्णतया प्रयास किया है। अगर इस बार भी हमारे संगठन को मौका मिलता है तो हम ठीक उसी जोर शोर से प्रशासनिक तौर पर भी उन विषयों को उठाएंगे जिसके कारण छात्रों की भी पढ़ाई का हनन ना हो और उनके अधिकारों का भी हनन ना हो। पूरे देश भर में काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल बाहर आ रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए बुरहान वानी के वक्त भी और कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी। हाँ, वो उनको दोहराएंगे नहीं, लेकिन इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ फिर सामने आती हैं तो आप लोग किस तरह से सामने करें? हमारा इस पर दो टुक सीधा सामना उन अलगाववादी और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने वालों से है। हम उनको स्वीकार इस जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर कदई भी नहीं करेंगे और जिस प्रकार भी हमको लड़ना पड़ा ऐसे नासूरों से जो जम्मू के अंदर रह करके भारत के अंदर रह करके भारत के विरोध का झंडा उठाएंगे, हम उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और उनको उनके हिसाब से ही जवाब देंगे। ये था करारा जवाब अरुण प्रभात सिंह का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब तैयारी है 6 अक्टूबर की, तो 6 अक्टूबर पे नजर गड़ाइए बैठिए और देखिए जम्मू यूनिवर्सिटीज के कौन बनता है यहाँ पे प्रेसिडेंट। आशीष कोहली कैमरामैन संदीप सिंह के साथ यू फॉर यू वॉइस के लिए।